जी देखिए, अगर फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले जब ट्रेलर एस्केप लाइफ का मैंने देखा तो अनडाउटेडली ही इज़ अ वंडरफुल क्रिएटर एंड विजनरी डायरेक्टर आई वुड से। तो एसकेटी सिद्धार्थ कुमार तिवारी इज़ लाइक आई फील दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड यू नो सच अ पॉलिश्ड डायरेक्टर आई वुड से, बिकॉज हिज विजन एंड द वे ही इज़ इन्वॉल्व इन द राइटिंग एंड एवरीथिंग इज़ लाइक आउटस्टैंडिंग। तो पहले तो मुझे लगा कि यार ये कुछ अलग है, बिकॉज आफ्टर मेकिंग सच ह्यूज शोज लाइक महाभारत एंड ऑल दैट, यू नो उस लेवल पे पोरस एंड ऑल दीज थिंग्स, सो मैंने कहा कि जब वेन दे आर कमिंग ऑन द OTT थिंग देन अनडाउटेडली इट मस्ट बी लाइक वन ऑफ इट्स ओन काइंड। सो ऑफकोर्स द एंटायर वर्ल्ड इज जस्ट अप्रिशिएटिंग द फर्स्ट लुक ऑफ एस्केप लाइफ एंड इट्स वेरी इंट्रीग एंड आई एम एक्चुअली ऑन टोज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट एंड आई विल डेफिनेटली डू द बिंज वॉचिंग। Sorry, come again. Yeah. Yeah. I feel that I'm very lucky and I feel that I'm so blessed, you know, that I worked with Swastik and now the another sister concern, another wing of them, I would say, is, you know, One Life Studio. तो सबसे बड़ी बात अगर कहूँ तो आप देखिए कि जितने भी कलाकार हैं, मतलब या फिर मुंबई शहर कोई भी जब अपने घरों से आता है, दूसरे अलग अलग देश विदेश से अब तो लोग आते हैं, तो सर से सीने में सिनेमा होता है, ट से टिकने के लिए टीवी कर लिया और व से अभी वक्त है वेब का। सो दे आर डूइंग ब्रिलियंट वर्क इवन ऑन वेब, और ये वक्त वेब का है, डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा हो चुका है, सो ह्यूज, और इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट भी है ओवरऑल एस्केप लाइफ का अगर आपने देखा होगा तो यही है कि सोशल नेटवर्किंग डिजिटल वर्ल्ड पे आज पूरी दुनिया है, और कहीं ना कहीं आप और हम सभी लोग आज इस डिजिटल वर्ल्ड, एक वर्चुअल वर्ल्ड जो है उस पर हैं, और कहीं ना कहीं सब लोग उसी तरीके के कैरेक्टर्स जो हैं, इनफैक्ट जो सुनैने का कैरेक्टर है या फिर डाकी का है, तो कहीं ना कहीं सब तरीके के लोग हम लोगों को दिखते हैं आज यू नो सोशल नेटवर्किंग पे। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली ऑडियंस वुड वॉच दिस शो एंड दे वुड लव इट फॉर श्योर। देखिए ट से टीवी टिकने के लिए है, सबके दिलों में होता सिनेमा ही है, अब सिनेमा की जगह जो है वो वक्त ऐसा हो गया है कि वो वेब ने ले लिया। सो फिलहाल टीवी से एक छोटा सा एक ब्रेक मैंने लिया है एंड वेरी सून सच अ ह्यूज शो इज़ कमिंग ऑन OTT, वेरी सून आई विल जस्ट डिक्लेयर द नेम ऑल्सो दैट्स कमिंग, और एक फिल्म भी आ रही है, सो सम मोर गुड थिंग्स आर इन पाइपलाइन एंड OTT के आने के बाद कलाकारों के पास काम की कमी नहीं है एंड टच वुड आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा, देखिए आप लोग दुआ करते रहिए, छोटे पर्दे पे आपने देखा है, अब उसके बाद बड़े पर्दे पे भी देखिएगा। आई रियली नीड योर लव एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। Who always love me and give me a peck on always, seat. Always, yeah? Have to. So good. Hi. So, huh? It was good? Mujhe kuch nahi. Thank you so much. Have to go in. Hi. I'm going to take a quick photo and then I'll have to rush in. I have to do a sound check. Oh, shit. Okay. Quickly, let's do it. I'm acting in it. Yes. Hi. Oh, it was phenomenal, yeah. It was just amazing to see a show that you've actually worked on coming to life. So it was a very exhilarating feeling. And just to see all the stories coming together, this cast, the scale of the show, and how it's coming on Hotstar, very exciting. When we talk about series, most of the youngsters are very attractive. So what is the story about? So the story is about youngsters and what they are doing in their life right now with the TikTok and Instagram reels and videos and just posting stuff and all that stuff. So the story is about that. उसके बारे में कहानी है और पूरे देश की कहानी है, because it's actually spread across 5 cities. So it's a full wholesome show and very excited for people to watch it. Yeah. Oh, it was phenomenal. I had all my scenes with Siddharth, who is somewhere, and it was one of the best acting experiences of my life. He is one of the most fabulous people that I've
I've had the opportunity to work with, and I wish everyone ek baar Siddharth ke saath kaam karna chahiye aapko. Would you like to share any of your memories which you have spent off screen? One of my greatest memories was to see Siddharth Kumar Tiwari and Siddharth jamming together as a director and an actor. और क्योंकि मैं हर सीन में था सिद्धार्थ के साथ, तो मुझे इन दोनों को साथ में देखने का मौका यहाँ से मिलता था. मैं ऐसे रहता था और देखता था, अब ये सिद्धार्थ बोल रहा है, अब ये सिद्धार्थ बोल रहा है, अब ये सिद्धार्थ बोल रहा है, ये सिद्धार्थ. और फिर वो जो जाके हम लोग सब साथ में कुछ करते थे ना, सुपर, इट वाज फिनोमिनल, आई लव्ड इट. द बेस्ट पार्ट फॉर मी वॉज देयर्स अ बाथरूम सीन ऑफ माइन which is my favorite scene. I will not tell you वो scene में क्या होता है क्योंकि इसमें एक राज खुलता है, पर वो scene बहुत बढ़िया था. जब वो आएगा आप देखना जरूर, मैं बहुत रोता हूँ उस scene में. राज, हाँ, they're very excited. My wife absolutely loved it. She is really looking forward to seeing the show. She had actually, मैंने अपना 40th birthday इस show के set पे मनाया था. तो मेरी wife और मेरी एक friend बॉम्बे से आए थे उमरगांव, और मेरा 40th बर्थडे मैंने कास्ट एंड क्रू के 9-10 लोगों के साथ साथ में मनाया था अपने रूम में. सो इट वाज, इट्स अ वेरी स्पेशल शो फॉर मी. एस्केप लाइव स्टार्ट स्ट्रीमिंग इन 2 hours. एंजॉय एस्केप एंड हैव अ ब्लास्ट. थैंक यू वेरी मच. दिस इज आलेक संगल, आई प्ले बलदेव. चीयर्स. थैंक यू, थैंक यू. इट वॉज, अगर एक वर्ड में कहेंगे तो मेसमराइज. लाइक इट वॉज लाइक कि ऐसी चीज, वॉट ही हैज क्रिएटेड इज वेरी वेरी डिफरेंट, एंड पीपल अराउंड एवरीवन अराउंड द कॉर्नर लुक्स कि हाँ हमें यहाँ जाना है, ये कॉम्पिटिशन जीतना है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड एवरी थिंग, पीपल आर लाइक कि सोशल मीडिया पर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड यू नेवर नो हु कैन बी अ ट्रेंड. तो इट्स वेरी रिलेटेबल एंड कनेक्टिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर कि हाँ हम भी यहाँ जा सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ स्टफ्स गोइंग ऑन, सस्पेंस, एवरीथिंग. So for me, it wasn't something new for me, but the stunts and everything was new for me, of course. But because since I'm a teenager and we see all the TikTok trends and everything, which we also do, the transition reels and everything. But at the same time, this is very different from that. It's not ki what you do and what they are doing over there. So it's a competition out there, basically. So it's very different. My character hasn't worked with him. I play as Dev. With Siddharth sir? So he's a, firstly, gem of a person. He knows what he's doing. Like, उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकलवानी है, किस एक्टर से कैसे निकलवानी है. And his visualization skills are on point. Like कि the choreography and everything is, वो कहते हैं ना कि मंझे हुए खिलाड़ी के साथ काम करने में मज़ा आता है, तो ये वही बात है. एक बार दुनिया में हर कलाकार को इनके साथ काम करना ज़रूरी है. एंड इट्स लाइक कि आई वॉज जस्ट वॉकिंग, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ माइंड, आई वॉज वॉकिंग एंड ही इज़ लाइक क्या कर रही है, तेरा मोटिवेशन बॉन्ड कहाँ है. एंड आई वॉज लाइक शेडू, दिस इज़ अमेजिंग. एंड इट वॉज लाइक कि हाँ ये चीज़ है. एंड एट द सेम टाइम the small things which he says na ki ha yahan pe ye cheez honi chahiye waisa hona chahiye, although he takes suggestion of each and every artist, that's not like ki har ek director ya har ek jan nahi karta hai aisa. And it was like ki wo sabka suggestion le rahe hai, he's rehearsing, he's taking advices from us actors. That makes it very huge, like for us actors who always wanted to work with him. So it's really amazing. And my character, for my character, I'm playing Dev. So the moment I got this script, I was like, okay, fine.
and my dad was sitting over there while I was making this audition. My dad was sitting over there and I was like ki papa aapko na ek do cues dene padenge, hum de denge usme kya hai. And I was giving and I gave this first take and he's like ha ye bhej de tu aage. मैंने कहा पापा मेरे को देखने तो नहीं नहीं मैंने देख लिया ना मेरे आंखों से, तूने मेरे सामने परफॉर्म किया तू इसी इसी को भेज. एंड आई वाज लाइक ठीक है मैं भेजता हूँ. एंड द नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड आफ्टर व्हेन आई सेंड माय टेक आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पार्ट. एंड आई वाज लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डैड एंड आई एम वेरी मच अटैच टू माई डैड एंड माई कैरेक्टर इज ऑल्सो अटैच टू माई डैड. एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो आई हैव एन एल्डर ब्रदर. And in the series also, I'm having an elder brother. So the character is very, very connecting to me. And I could relate with the character. Yeah. Message. Keep supporting, keep loving. And see you on Amazon Prime's Hostel Day Season 3. After this. Thank you. Aap kuch puchenge? Question puchenge? Directly main keh dun. I'll directly say. So always seeing Sharad sir on screen as a big macho man ki like ha aise punch marna hai villain udke chala jata hai. So but now working with him over here, it was a very very different and very nice experience. Unhone kafi kuch sikhaya and literally I was sitting down when he was sitting on the chair and I was listening to him and aisa lag raha tha ki sahi mein koi aapko sikha raha hai, acting sikha raha hai. Although sikhai nahi ja sakti ye cheez, but his experiences make us understand what this art is. And mujhe aisa lagta tha, to be honest, ki he is very ekdam aise dar ke rehna chahiye unke samne, but he's a very jolly person. And jaise wo dikhate hai on screen comic timing, waise hi real life mein unka comic timing waise hi hai. And agar Rohit ke bare mein kahu, who is playing my elder brother, working with him was amazing. Like we rehearsed our scenes and it was very very emotional for me because there are certain things which has happened in my real life also. At that point of time when I was shooting, so I was very emotional. I was going through a bad phase of my life. So that helped me, although due to my, we actors use certain techniques, that helped me. And Shweta Tripathi, so it's like ki aapne unko har jagah dekha hai, ye series mein yahan dekha hai, wahan dekha hai. And it was like ki wo hota hai na, when I saw for the first time in Mirzapur and other series, I was like ki haan inke sath kaam karna hai. And so you, I believe in manifestation and the art of what we say, that book 365 Secret of Life. So I manifested that and I was like ki haan inke sath kaam karna. And the moment I saw her on the set, I was like ki, and our sequences together, and it was very great. She's very sweet, she's very humble and polite. And I went inside a vanity, we had lots of random chit chats and everything. And she is so natural in her acting ki aapko pata hi nahi chalega wo acting kar rahi hai ya wo baat kar rahi hai. So yeah, that's about Shweta. And rest aap to dekh hi lenge, baki it's going to be live soon in 2 hours. Escape Live is going to be live. Thank you. तो कोइंसिडेंटली मेरे कैरेक्टर का नाम भी कुनाल ही है और ही इज़ द CTO ऑफ द ऐप एस्केप लाइव, जो हमारा ऐप है उसका मैं CTO हूँ. CTO मींस द चीफ टेक्निकल ऑफिसर. एंड बेसिकली जब भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो हैंडल करने का काम मेरा है. सो मैंने हमेशा टीवी किया हुआ था. टीवी और वेब का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है और इतनी रीडिंग्स हुई थी हमारी जो आज तक मैंने कभी नहीं की थी. इतना प्रेपरेशन किया था. जो हमारे डायरेक्टर है सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी, उन्होंने इतने पैशन से ये शो बनाया है और इतनी मेहनत की और हमसे भी मेहनत कराई है. तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था. मुझे याद है जब हम शूट पे पहुँचते थे तो हमेशा पहले एक दिन पहले स्टेजिंग होता था कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से आएगा क्या करेगा. तो ये सब बहुत ही नया था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना. टीवी आई एम नॉट वेरी श्योर नाउ, क्योंकि अभी वेब में काम करने के बाद इतना मज़ा आ गया है. तो आई डोंट नो वेदर आई वॉन्ट टू रियली गो बैक टू टीवी, बट यस डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू मोर वेब शोज. एंड बिकॉज ऑफ माई टेनिस विच ऑल्सो टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम, तो आई डोंट नो इफ आई कैन रियली डू टीवी राइट नाउ.
सो जैसा कि सबने देखा है टेनिस प्रीमियर लीग में बड़े बड़े स्टार्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, सोनाली बेंद्रे जी है, रकुल प्रीत है, अदिति राव हैदरी, लियांडर पेस की टीम है, तो इंडिया के जितने टॉप प्लेयर्स हैं वो सब ये लीग में खेलते हैं। इस बार हमने ठाना है कि जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप 100 इन द वर्ल्ड, उनको इस लीग में खिलाना है, तो लीग डेफिनेटली इस साल और बड़ा होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी टू वॉच एस्केप लाइफ। आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू कनेक्ट विद द शो बिकॉज इट्स अ वेरी रिलेटेबल सब्जेक्ट एंड हाउ सोशल मीडिया इज ड्राइविंग पीपल क्रेजी, तो आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक इट एंड रिलेट टू इट समवेयर। थैंक यू सो मच। मतलब जो रेगुलर सीरीज या जो भी सोशल ड्रामा वैसा चल रहा है उसके अंदर एक मुझे तो क्या, मैं तो इसका पार्ट हूँ, तो लोगों को यूनिक लग रहा है क्योंकि आज जो टाइम चल रहा है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लोग, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आर यू कंटेंट क्रिएटर कम वॉच, तो उसकी कहानी है आपको इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं इसके अंदर, मज़ा आएगा। और शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही गजब रहा मेरा सिद्धार्थ सर के साथ, मतलब बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते डांस जो प्ले कर रही है, तो एक कहानी का पार्ट है, वो जब आप देखेंगे तब पता चलेगा, मैं बात बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है उस बच्ची ने, मैं भी इसमें एक किरदार कर रहा हूँ, एक पार्ट कर रहा हूँ, तो परफॉर्म करके मज़ा आया क्योंकि इतनी अच्छी लिखी हुई थी, इतने अच्छे से वेल मतलब कंपोज डायरेक्ट और सब कुछ, एंड शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत गजब, अमेजिंग, बेस्ट। ये शो ज़रूर देखिए क्योंकि आज के टाइम का शो है, और आज सोसाइटी में या सोशल मीडिया में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो जिस तरीके से लोग एक भगदड़ भेड़ चाल और एक पता नहीं किस दौड़ में शामिल हैं, उसके ऊपर शो है, तो आपको मज़ा आएगा, उसकी हकीकत आपको पता चलेगी कि क्या है, सच्चाई से रूबरू होंगे और इसका रिपरकशन क्या होता है वो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए हॉटस्टार पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एस्केप लाइफ। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अब आ गई है वेब सीरीज़ की बारी, कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ कुमार तिवारी। सो द ट्रेलर इज़ अमेजिंग एंड इट्स एग्जैक्टली जो मैं उम्मीद कर रही थी, बिकॉज सिद्धार्थ जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं, उनके माइथो शोज़ की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, और जितना समय लेकर उन्होंने इस सीरीज़ को बनाया है आई थिंक उससे एस्केप कर पाना मुश्किल होगा, and people will love it because the trailer is mind blowing and I'm 100% sure I can write it down right now, paper pen le aaiye, it's gonna be a big time hit. भाभी जी घर पर है, भाभी जी घर पर है का जो स्टोरी लाइन है वो हर हफ्ते चेंज होता है, तो ये एक ऐसा सीरियल है जिसमें कंटिन्यूटी बहुत कम रहती है, हर हफ्ते एक नई स्टोरी आती है, हर हफ्ते कॉमेडी का तड़का होता है, हर हफ्ते मस्ती होती है, और आई एम ग्लैड कि रूसा मेरा कैरेक्टर आप लोग पसंद कर रहे हैं, बस थोड़ा और ज़्यादा नज़र आऊँ मैं, आई थिंक नेक्स्ट मंथ से ये भी होने वाला है। सो ट्रैक तो बहुत सारे हैं, स्टोरीज हमारी शूट होती हैं, बैंक रहती हैं, तो मैं कोई एग्जैक्टली एक ट्रैक आपको नहीं बता पाऊँगी,
You guys have to keep track. So keep watching Bhavi Ji Garbar and Happu Ki Ultan Paltan only on AnTV. 10 o'clock and 10:30 p.m. every day. Thank you so very much. I would say that this is the labor of love of my brothers, Siddharth, Rahul, Ritesh, Gayatri, everybody involved with Swastik and One Life Productions. And 3 years lage in logon ko ye project ko shoot karke public tak lane mein. Aur is time puri India mein jo sabse zyada buzz hai wo isi cheez ka hai, Escape Life. Actually, Siddharth is family for us, for me, my wife, everybody. Siddharth, Rahul, ये लोग हमारे लिए घर के सदस्य जैसे हैं और हम इनके लिए. अब Escape Life में honestly, I know the story, I know the characters also. मेरे लाइफ कोई रोल नहीं है. जो मेरी पर्सनैलिटी है या जिस कैटेगरी में मैं आता हूँ, एक्चुअली कोई भी कैरेक्टर मेरी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता नहीं है. अदरवाइज आई नो दीज गाइज, ये सबसे पहले मुझे बुलाएंगे और मुझसे तो पूछते भी नहीं है कि तू करेगा या नहीं करेगा, डेट्स हैं या नहीं है, पैसे क्या लेगा क्या, ये सब बातें हमारे साथ नहीं होती. हमें ये बोला जाता है तुम ये कर रहे हो, कभी अगर गलती से हम पूछ लें क्या स्टोरी है क्या है, तो डांट पड़ जाती है. ये हाल है. अभी क्या है कि OTT पर कुछ शुरू हो रहा है, लेकिन वो लोग भी बोलने से मना करते हैं अभी, तो कुछ बोल नहीं सकते. बट आई एम शूटिंग समथिंग फॉर दी OTT राइट नाउ. और इनके जो दो शोज हैं राधा कृष्ण और जय कन्हैया लाल की, वो दोनों तो कर ही रहा हूँ. सॉरी टू ऑल माई फैंस, प्लीज 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 वॉच एस्केप लाइव एट लीस्ट वंस, एंड इफ यू लाइक इट वॉच इट ट्वाइस ऑल्सो. और बिंज वॉचिंग करना, मजा सिर्फ बिंज वॉचिंग में ही आएगा. थैंक यू. मुझे हम लोग जो बनाने निकले थे, यू नो जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके बाद जब उसको विजुअल में देखते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी होती है. ये बहुत ही टफ शूट था हमारे लिए. हम कोविड के बीच में भी थे, यू नो, तो हमारी शूट बहुत डिले भी हुई, कैंसिल भी हुई, बट इवेंचुअली हम लोगों ने इसको अचीव किया. आज इसका लॉन्च है, मैं बहुत खुश हूँ. सिद्धार्थ मेरा भाई, वो डायरेक्टर है इसका, सो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हम लोग. तो स्वास्थ्य के लिए, वन लाइफ स्टूडियोज़ के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो या अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं, आई थिंक ये नेचुरल प्रोग्रेशन है. टीवी शोज तो हम कर ही रहे हैं, वो हमारा ब्रेड एंड बटर है. हम लोग टीवी से बड़े हुए हैं, पर आई थिंक ये नेचुरल प्रोग्रेशन है टू गेट इनटू द OTT वर्ल्ड, टू गेट इनटू द फिल्म वर्ल्ड. हम पहले से भी वही सोचते थे और थैंकफुली ये हमारा पहला स्टेप है और ये बहुत अच्छा होने वाला है हम सबके लिए. यही है. हाँ जी, हमारे बहुत सारे सीरीज़ अभी पाइपलाइन पे हैं. एक तो शूट पे भी है, कुछ रीजनल फिल्म हम लोग कर रहे हैं, वो भी शूट पर है. तो बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है. आई थिंक इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स वील बी हैविंग अ रियली गुड टाइम विथ वन लाइफ एंड स्वास्थ्य. या सो द मैसेज इज़ वेरी सिंपल. थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस एट ऑल टाइम्स. आई थिंक यू नो फ्रॉम अ डिजिटल सीरीज प्रोग्रेशन, एस्केप लाइफ इज़ अबाउट सोशल मीडिया. वी ऑल आर वेरी इंक्लाइंड ऑन सोशल मीडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम. You should also see the bright side and the dark side of social media. So that's what Escape is all about. So just go out there and watch it. Thank you. Thank you so much.
I think it is very different. It is something which is very relevant in today's world, and the drama seems to be extremely exciting, because when I saw it, I really wanted to watch the entire thing. So I'm really looking forward to see it. Sorry? Yeah. So come in as in to work in the social. I'm actually doing a web series already. Yeah. Not now. Yeah, that is one of them. And one music video, jiska trailer aaj hi launch hua hai. Yeah. Yeah, it's a music video with Shweta Tiwari ma'am, and it's looking nice. Let's see how people like it. I would say that Escape Live, guys, please watch it. It's by master creative director Siddharth Kumar Tiwari, and it's going to be another masterpiece. So I'm looking forward to watch it, and please you guys also watch it. Thank you. Hello, hello. Thank you, thank you. Very good. I was, I have seen it earlier also, so it was very good, very satisfying. Something fresh, something new. Pardon me? Hanji. When I was contacted to be on this project, it really excited me, because it is something very fresh which I have never been a part of. So it is something very, the narrative, everything, the situations were very new and very contemporary. Yeah, it is action of some different type. It is not a vendetta action where we see hero and villain fighting, because there are people, they don't come face to face physically. But they are in touch, they can see each other on the phones or on the social media. So there is a competition, there is a somewhere hidden fights going on, but never they are never face to face this thing. That is something new concept. I think I loved all the parts. It is very difficult to say, but I enjoyed it. It is very nice, and wish them all the best. Yeah, I think change is the law of nature. Now social media is there, so I think we have to use it very sensibly, because people are very understanding, they know, and it is how we use it that is the main crux. Thank you, thank you, God bless, thank you.